22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। वहीं हरिद्वार में भी भगवान राम का गुणगान लगातार हर गली मोहल्ले चौराहे पर हो रहा है। इसी क्रम में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से पूजित अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के रानीपुर नगर की माधव बस्ती में शिव मंदिर शिवालिका नगर दीप गंगा अपार्टमेंट तक रथ यात्रा में भारी भीड़ रही। वहीं दीप ज्योति मंदिर में पूजित अक्षत कलश को पूरे सम्मान के साथ मंदिर में स्थापित किया गया। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। बस्ती बहुत सफल रही है और सभी का बहुत बहुत साधुवाद। इसी लंबी 4 घंटे की लंबी यात्रा में सबने बड़ा सहयोग दिया। लगातार निरंतर हजारों की संख्या में इस अक्षत कार्यक्रम में सहभागी बने। पूरे भारत में जितना उल्लास इस समय देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज सचमुच प्रकट हो रहे हैं भगवान, और खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हम लोग बहुत खुश हैं और मुझे तो सबसे खुशी इस बात की है कि मेरी ज़िंदगी में रामलला का की स्थापना हुई और हमें ये सुनने और देखने को मिल रहा है। ये हमारी हमारे बहुत भाग्य है और रामचंद्र जी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। 22 तारीख को हम भी दीपगंगा में दीपोत्सव मना रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि इसको राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाए और इस दिन छुट्टी भी घोषित की जाए।